सविनय जेबी रोजधर्म प्रसार मध्ये आज नेपाळ लुंबिनीचे तेरो तिलक भिक्खू हे आपल्याला आज कान्हेरी गुंफा येथील शिल्पाविषयी मार्गदर्शन करते. आज हम ये जो कान्हेरी लेनी में आए हैं ये देखकर मुझे बड़ा खुशी हुआ. ये पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था. यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ इस रूम के अंदर जो बनाया गया था, मैं रूम ही बोलूंगा अभी ताकि सबके समझ में आ जाए. तो यहाँ सबसे पहले अंदर घुसते ही दरवाजे से अंदर घुसते ही बाई हाथ के साइड में थोड़ा बड़ा सा एक खड़े हुए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मूर्ति नजर आता है. उनके दोनों हाथ कुछ टूटे हुए हैं. एक हाथ दाहिना हाथ कलाई से ऊपर का सब खोया हुआ है. बाएं हाथ की कुछ उंगलियां टूटी हुई है. तब उनके जो जीवन है वो ढंग से अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं. और उनका जो बाल है जो घुघरालू पड़ गए उसको और ये कान को इनको देखकर ये सिद्धार्थ गौतम का ही मूर्ति है. उसके बाद में उससे आगे आकर ये बुद्ध की विभिन्न किस्म के और मुद्राएं दिखाई दे रही हैं, जिनमें से ये जो बुद्ध हैं बाकी और भी दूसरे तहंकर मेदंकर शरणंकर और दीपंकर और फिर मंगल इत्यादि सुमन पाया ना को पड़ू